हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि नतीजों ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया जो मतदान के बाद राजनीतिक पंडितों द्वारा किए जा रहे थे। हरियाणा में बीजेपी ने फिर से सत्ता में वापसी कर ली है और कांग्रेस को यहां एक बार फिर से शिकस्त मिली है। इन नतीजों के बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि ऐसे कौन से कारण रहे जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई और कांग्रेस की हार की वजह बने। वहीं अब इन सबके बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी कांग्रेस की हार के कुछ कारण गिनाए हैं। बेनीवाल का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस को हार कुल मिलाकर तीन कारणों से मिली है। पहला कारण, कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री के दावेदारों और विशेषकर एक परिवार का अति उत्साह होना है। दूसरा कारण उनका घमंड है और तीसरा और सबसे बड़ा कारण इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना ये बयान दिया है। कांग्रेस के चार दिग्गज नेताओं को टैग करते हुए हनुमान बेनीवाल ने आगे लिखा है कि लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो एनडीए ने हांफते हांफते अपनी सरकार केंद्र में बनाई, मगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दलों के साथ कांग्रेस ने रुचि नहीं दिखाई और आज ये परिणाम देखने को मिला। उन्होंने आगे लिखा कि जबकि हरियाणा का किसान, जवान और दलित भाजपा की नीतियों और शासन के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक राय और एक साथ होकर चुनाव नहीं लड़ने की वजह से फिर हरियाणा के किसानों, दलितों और युवाओं को निराशा हाथ लगी। उन्होंने आगे लिखा कि हालांकि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आपको बता दें कि कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रमुख उदयबान, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उन प्रमुख नेताओं में शामिल है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी ही सीट पर चुनाव हार गए। इनके अलावा नायब सिंह सैनी सरकार में 10 में से 8 मंत्री भी चुनाव हार गए। इनमें असीम गोयल, सुभाष सुता और कंवर पाल शामिल है। वहीं दूसरी ओर सत्ता विरोधी लहर को दरकिनार करते हुए लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।